अरे सौरभ जी से मिलना मिलना हो रहा है, वो आजकल नहीं हो पा रहा है। सर बात करो, हैं बात कर दो उनसे। बात कैसे कर लो? नंबर होगा उनके पास, वैसे तो मना कर रखा है। वैसे एंट्री मना है? हाँ सर, देख पढ़ लो ये लिखा था। अच्छा, किसी बाहरी व्यक्ति का सोसाइटी के अंदर आना और सोसाइटी के बाहर और अंदर की वीडियो बनाना बिल्कुल मना है। कृपया घर से आपसे कोई भी बदतमीजी ना करे और इज्जत से पेश आए। अगर किसी भी रिलेटिव को हमसे मिलना है तो पहले गार्ड से हमारी बात करवाए, तभी अंदर आ सकते हो। सूचना को नज़रअंदाज करके करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सौरभ जोशी एंड फैमिली। अरे सौरभ, अच्छा उन्हीं ने लगवा रखा है। हाँ सर, बहुत भीड़ हो जा रही है। हाँ वो है तो, खैर दिक्कत तो होती है। चलो धन्यवाद भैया। 8 भैया कितने अच्छे हैं, मतलब कितने प्यार से बात कर रहे थे। अब वो भी क्या कर सकते हैं भाई, उनकी ड्यूटी है। और ठीक भी है यार, वो भी सौरभ जोशी की भी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है। अब हमेशा लोग उनसे मिलने आएंगे तो वो कैसे वो करेंगे भाई, उनका खुद की भी फैमिली है, खुद की भी पर्सनल लाइफ है। वो जो गार्ड भैया थे वो पहाड़ी थे ना, इसलिए बोलने में थोड़ा अच्छा लहजा था। तो चलिए चलते हैं हम सीधा जो हमारा टारगेट था उधर को। सौरभ जोशी की जो सोसाइटी है, उनने बाहर ही लगा दिया है बोर्ड में, कृपया अंदर ना आए, आए तो पहले बातचीत करके आए। तो कई लोग आते हैं यहाँ पे जो गेट में गार्ड भैया हैं, उनसे मैंने कई वीडियो भी देखे, बदतमीजी करते हैं, तो इसलिए उन्होंने वो नोटिस लगा रखा है। सही भी है यार, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है।